की जीत के बाद राज्य में हिंसा की खबरों के बीच मध्य प्रदेश के भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पश्चिम बंगाल सरकार और नव निर्वाचित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी कर डाली। प्रज्ञा ठाकुर ने पश्चिम बंगाल को मुमताज का लोकतंत्र बताते हुए हिंदुओं के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या बलात्कार की घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की। प्रज्ञा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुमताज लोकतंत्र हिंदुओं बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या बलात्कार ये कलंक नहीं बस अब आगे नहीं। उन्होंने लिखा कि अब टिट फॉर टैट करना होगा यानी जैसे को तैसा। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि अब राष्ट्रपति शासन और एनआरसी बस यही उपाय है। और यही नहीं प्रज्ञा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ताड़का तक कह डाला। प्रज्ञा ने लिखा है कि संतों और वीरों की भूमि पर ताड़का का शासन हो गया है अब तो राम बनना ही होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पश्चिम बंगाल की हिंसा को लोकतंत्र की हत्या बताया। शिवराज ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है जनता पर अत्याचार किया जा रहा है वह अत्यंत दुखदायी और निंदनीय है। सीएम ने कहा कि जनता ने अगर टीएमसी को जनादेश दिया है तो उन्हें इसका सम्मान करना चाहिए।